मलाला यूसुफजई की 6 साल बाद वापसी पाकिस्तान में 4 रोज क्याम करेंगी। आज वजीर आजम और काबीना के चंद अराकीन से मुलाकात करेंगी। मलाला निजी प्रवास के जरिए बरास्ता दुबई बरतानिया से इस्लामाबाद पहुंची। वालिद वालिदा बहन और भाई भी हमरा 2 अप्रैल को लंदन रवाना होंगी। की समात आज फिर होगी। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर पेश होंगे। ख्वाजा हारिस जीआईटी के सरबराह वाजिद ज़िया पर जराह करेंगे। बाद हसन फवाद की दोबारा नैब में तलबी। हुकाम का वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जवाब पर अदम इत्मीनान। सूबाई वजीर सेहत सलमान रफीक भी आज पेश होंगे। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है बाजवा डॉक्टराइन का 18वीं तरमीम अदलिया और एनआरओ से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग न लड़ते, अलकायदा को शिकस्त न देते तो ये खतरा भारत तक पहुंच चुका होता। लाहौर का माल रोड ट्रेनिंग क्लास धरना चौक बन गया। लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना चौथे रोज भी जारी। हेल्थ वर्कर्स की वाजिबात 2 अकसाम में अदा करने पर इसरार, हुकूमत का इंकार। सक्कर की चुवाड़ा मार्केट में गोदाम की छत गिर गई, 12 अफराद जान बहक। मरने वालों में 6 खवातीन और 12 साल की बच्ची भी शामिल। पाक फौज के जवानों का रेस्क्यू ऑपरेशन। एक और वजीर को फारिग कर दिया। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की देखभाल के वजीर डेविड पर कई इल्जाम लगाए। ट्रंप के साथी मौलिक रॉनी जैक्सन नए वजीर मुकर्रर। अमरीकी अदालत में सऊदी अरब के खिलाफ 9/11 हमलों से मुतालिक केस की समाअत। सऊदी अरब पर 9/11 हमलों की मनसूबाबंदी में मदद देने का इल्जाम है। अदालती फैसले से अमरीका में सऊदी सरमायाकारी मुतासर होने का खदशा। तैयार कॉमेडी टीम आज कराची के नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस शुरू करेगी। सीरीज के लिए टिकटों की फरोख्त जारी। कराची में कोरियर कंपनी के सेंटर्स के बाहर खरीदारों का रश।